वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन नेपरा तौसीफ हुसैन फारूकी की अपने वफ के हमरा सीएम हाउस में अहम मुलाकात। वफ में मेंबर सिंध रफीक शेख, मेंबर बलूचिस्तान रहमतुल्ला बलोच, मेंबर केपी के बहादुर शाह शामिल, जबकि इजलास में वजीर अला सिंध के हमरा वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो भी शरीक। इस मौके पर वजीर अला सिंध का कहना था, हम यहाँ इजलास कर रहे हैं और आपने टैरिफ बढ़ा दिया। अभी नया टैरिफ 1.53 रुपए फी यूनिट बढ़ाया गया है। ज्यादा टैरिफ के 22 लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे। वजीर अला सिंध का मजीद कहना था कि पाकिस्तान खास तौर पर सिंध के गरीब आवाम पर बिजली के हाई रेट का बोझ नहीं डाले। बिजली की चोरी रोकने के लिए हेस्को और सेपको को ठीक करना होगा। सिंध में लोड शेडिंग का बड़ा अजाब है। अब गर्मी आ रही है, लोड शेडिंग को हर हाल में कंट्रोल करना होगा। वजीर अला सिंध का नेप्रा के चेयरमैन से बिल और लोड शेडिंग में सिंध की आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। इनका मजीद कहना था कि जब टैरिफ नहीं दिया जाएगा आवाम तकलीफ में रहेंगे। विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स के टैरिफ के पड़े केसेस को जल्द हल करने के हवाले से भी गुफ्तगू। वजीर अला सिंध ने कहा, नेप्रा विंड और सोलर तय करेगी तो सिंध में मजीद प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन नेप्रा ने वजीर अला सिंध को हर तरह के ताउन और मामनत की यकीन दहानी कराई।